ये देखिए, ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो अवसरवादी एक गिरोह है। और ये जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि इससे और नुकसान हो गया, लोग उछल उछल के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनके अंदर जो लठ बजने वाली है उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ कांग्रेस के उस बयान पर जो कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज हम चल रहे हैं, मेरे यूपी बिहार के भाई बहन, जो कांग्रेस या तो तेजस्वी बाबू आज गठबंधन तोड़ दें और नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ जो इनका इंडी गठबंधन है वो सभी लोगों को हमारा बिहार यूपी उनको औकात बताएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 24 के चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार प्रसार जो है वो लगातार जारी है। इसी क्रम में भाजपा नेता मनोज तिवारी पंजाब जा रहे हैं और आपको बता दें कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस जो है वो पंजाब में बिहारियों को घुसने नहीं देगी। इसको लेकर मनोज तिवारी आज बड़ा चैलेंज करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हम पंजाब जा रहे हैं और देखता हूँ कौन सा कांग्रेसी मुझे रोक लेता है। मीडिया कर्मियों से भी कहा कि आप लोग जरूर नजर रखिएगा। साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए मनोज तिवारी और तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दे डाली है। क्या कुछ कहा, पहले आप ये बयान सुने। देखिए, अमित शाह जी जब भी कुछ कहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के कहते हैं और ये देश ने रिजेक्ट कर दिया है इन लोगों को। अब निश्चित रूप से इसमें जो गाज गिरेगी वो तो खड़गे जी पर गिरेगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, मैं अभी देवघर से आ रहा हूँ। देवघर में कल हमने करीब 70-75 हज़ार लोगों को एक छोटे से रोड शो में देखा। 4-4 जगह गए, रात के 10 बजे तक हमने वहाँ रोड शो किए और अभी अमृतसर जा रहा हूँ। अमृतसर में आज हमारी 4 सभाएं हैं, कल जलंधर और चंडीगढ़ रहूँगा। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है और सबसे बड़ी बात है मैं जा रहा हूँ पंजाब, जहाँ कांग्रेस ने कहा है कि बिहार यूपी के लोगों को घुसने नहीं देंगे। आज मैं जाऊँगा और देखता हूँ कौन कांग्रेसी है जो हमको घुसने से रोकता है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी नज़र रखिएगा, हमारी जो आशा है आज अमृतसर, जलंधर और ये सब में बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होने वाली हैं। और जो कांग्रेस बिहार यूपी को इस तरह से उनके सांसदों से बयान दिलवाती है, ऐसे कांग्रेस को बिहार में एक वोट नहीं मिलना चाहिए। मैं बिहार के लोगों से प्रार्थना करता हूँ। एक जून को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई है मल्लिकार्जुन खड़गे तरफ से, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो नहीं शामिल होंगे। ये देखिए, ये कोई गठबंधन है ही नहीं, ये तो अवसरवादी एक गिरोह है। और ये जैसे जैसे इनको पता चल रहा है कि इससे और नुकसान हो गया, लोग उछल उछल के भाग रहे हैं। मुझे लगता है कि 4 जून के बाद इनके अंदर जो लठ बजने वाली है उसकी कल्पना हम आप सभी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूँ कांग्रेस के उस बयान पर जो कि यूपी बिहार के लोगों को पंजाब में नहीं घुसने देंगे। आज हम चल रहे हैं, मेरे यूपी बिहार के भाई बहन, जो कांग्रेस या तो तेजस्वी बाबू आज गठबंधन तोड़ दें और नहीं तो कांग्रेस के साथ साथ जो इनका इंडी गठबंधन है वो सभी लोगों को हमारा बिहार यूपी उनको औकात बताएगा। राहुल यादव ने कहा है कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। राहुल गांधी अब अगले कम से कम 24 साल बाद की सोचें। अब उनको 2024 से लेकर और अगले 24 साल 2047 तक राहुल गांधी जी कुछ भी सोचने के लायक नहीं
बचेंगे ऐसा देश की जनता उनको कर देगी और बिहार यूपी पहले भी किया था फिर करें। राहुल गांधी ने कहा, आप सुन रहे थे मनोज तिवारी एक और चैलेंज कर रहे थे कांग्रेस को, कह रहे थे कि मैं पंजाब जा रहा हूं, देखता हूं कौन सा कांग्रेसी मुझे रोक लेता है। साथ ही आपको बता दें इंडिया गठबंधन के मीटिंग में जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शामिल होने से मना कर दिया है उसको लेकर तंज कसते नजर आए हैं मनोज तिवारी। आप सुन रहे थे कि जमकर निशाना साधा इंडिया गठबंधन पर। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ी नसीहत दी, कहने लगे कि तेजस्वी बाबू जो महागठबंधन है उसका साथ छोड़ दे वरना जो बिहार यूपी के लोग हैं जो जनता है वो इन्हें जल्द ही औकात बता देगी। तो वहीं राहुल गांधी को लेकर भी तंज कसते नजर आए और कहने लगे कि 2024 क्या राहुल गांधी अगले 24 साल तक के लिए कोई सपना जीत का सपना देखना छोड़ दे। आप सुन रहे थे मनोज तिवारी जमकर महागठबंधन हो राहुल गांधी हो तेजस्वी यादव हो सब पर निशाना साध रहे थे, चैलेंज दे रहे थे एक और कांग्रेस को, ये भी कह रहे थे कि पंजाब जा रहा हूं देखता हूं कौन सा कांग्रेसी मुझे रोक लेता है। तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए भाजपा नेता मनोज तिवारी ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।